पुनः जब प्रभु यज्ञ में पधारे, यज्ञ शुरू हुआ तो उस यज्ञ में बहुत सारे लोग आए हुए थे, शिशुपाल भी आया हुआ था। तो जब यज्ञ में ये चर्चा आई कि भाई सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, देवी देवताओं की तो होगी ही, लेकिन इन बैठे हुए लोगों में से, मनुष्यों में से युधिष्ठिर जी जिसकी भी पूजा सबसे पहले करेंगे, मतलब उन्होंने अपने ऊपर एक सत्ता को स्वीकार किया होगा, क्योंकि जब वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे तो निश्चित बात है कि वो तो सबको दंड दे सकेंगे, लेकिन उनको कोई दंड नहीं दे सकेगा, क्योंकि राजा के ऊपर तो कोई होगा नहीं। लेकिन जिसकी पूजा सबसे पहले युधिष्ठिर जी करेंगे, मतलब उन्होंने अपने ऊपर भी उस व्यक्ति के मार्गदर्शन को, उस व्यक्ति के सानिध्य को, मतलब आज की भाषा में कहा जाए तो एज अ मेंटर स्वीकार करेंगे, और उसके हिसाब से, उसके बुद्धि और विचारों से चलेंगे। क्योंकि राजा बन जाने के बाद, सम्राट बन जाने के बाद तो उनको कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए एक ऐसी सत्ता उनके ऊपर होनी चाहिए जो समय समय पर उनका मार्गदर्शन करे, और सम्राट भी यदि कुछ गलत कर रहा हो तो उसको रोके। कितना अच्छा नियम था कि जब एक ऐसे पद पर व्यक्ति पहुंच जाए जहां पर वो किसी के प्रति जवाबदेह ही ना हो, तो ऐसी सत्ता को निरंकुश होने में कितना टाइम लगेगा। कितनी अच्छी डेमोक्रेसी समझाई गई। इसलिए एक नियम ये भी था कि सम्राट भी अपने ऊपर किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करे, और ऐसा व्यक्ति कौन होगा जो पूरे धरती के सम्राट को मार्गदर्शन करे। भाई वो व्यक्ति में भी तो योग्यता उस अनुसार होनी चाहिए ना। तो धर्म सत्ता जो होती है ना, वो राज्य सत्ता के ऊपर हमेशा से उसका मार्गदर्शन, उसका सानिध्य, उसको गाइडेंस और कंट्रोल करती आई है, हमारे शास्त्रों की डेमोक्रेसी के हिसाब से। जब राम जी राजा बने, तो राम जी भी जब राजा बने और पद पर बैठ गए प्रभु, तब यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में ये बात आई है कि जब प्रभु पद स्वीकार कर लिए, राजा बन गए, चक्रवर्ती सम्राट बन गए भगवान श्री राम जी, उसके बाद मुकुट पहनने के बाद जब मेरा मत जो होगा, जरूरी नहीं है कि वो आपका मत हो, मेरे व्यक्तिगत धर्म नहीं है, वास्तव में धर्म की कोई अंग्रेजी शब्द ही नहीं आया अभी तक। धर्म नहीं है उसका मतलब, धर्म का मतलब अगर ऊपरी तौर से अगर उसको किन्हीं शब्दों में कहना हो, तो धर्म का मतलब है वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का सही मार्ग, और वो किसी भी मत से, किसी भी थॉट से, किसी भी विचार से, किसी भी रिलीजन से बहुत ऊपर होता है। धर्म कोई लक्ष्य नहीं है, धर्म तो मार्ग है, धर्म के मार्ग पर तो चलना होता है। और कैसे चलेंगे आप धर्म के मार्ग पर, तो ध्यान दीजिएगा कि धर्म का मार्ग समय जैसा हो, परिस्थितियां जैसी हो, और आप सही हो कि गलत हो इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जो भी कर रहे हो उससे प्रभाव क्या पड़ेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको और आपके संपर्क में आने वाले लोगों को, तो वो विचार करके कि अगर परिणाम अच्छा अच्छा मिल रहा है, परिणाम में सबका हित हो रहा है, सबका कल्याण हो रहा है, तो समय परिस्थिति के अनुसार जो भी कार्य आप करोगे वही आपका धर्म है। यतो अभ्युदय, जो आपको ऊंचा उठाए। धर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत क्या है, ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और आज हम कथा में बैठे ही हैं,
आज तो वैसे भी कथा को विश्राम देंगे, इसको समझ लीजिए। धर्म का कर्म का सिद्धांत क्या है? धर्म का सिद्धांत ये कहता है कि ऐसा कार्य जो आपको आपकी नजरों में ऊंचा उठाए, ऐसा कार्य जिसको करने के बाद चाहे भले ही आपसे आपका सब कुछ छिन गया हो, कोई वस्तु आपके पास ना रह गई हो, कुछ ना बचे, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न रह सको कि हाँ मैंने जो करना था वो सही किया, भले ही मुझे कुछ मिला या ना मिला, वो धर्म है। जो किया सही किया। आप पूरी दुनिया से अपनी असलियत छिपा सकते हैं, अपने मन से तो नहीं भाग सकते ना। और चाहे आप कितने भी गलत रास्ते पर चल के कितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर लें, आपका मन तो आपको कहीं ना कहीं धिक्कारेगा ही ना। तो धर्म मतलब ऐसा कार्य या तो अभ्युदय अपनी नजरों में, और साथ साथ संसार, जब आप अपने नजरों में ऊंचा उठेंगे तो आप संसार में भी ऊंचे उठेंगे, अभ्युदय होगा, कल्याण होगा। और निःश्रेय सिद्धि, आपको ये चिंता ना लगी रहे कि पता नहीं मैं मर जाऊं उसके बाद क्या होगा मेरा, उसके बाद भी आप निश्चिंत हैं कि मैंने जो किया है उसके बाद जो भी कुछ हो मेरा वो सही हो। तो ऐसा कार्य, वे ऑफ लाइफ, ऐसा जीवन जीने का तरीका ही धर्म है। और ऐसा जो व्यक्ति कार्य करता वही धर्मात्मा है, वही महात्मा है, उसको किसी बात की चिंता नहीं होती। एरिस्टोटल और सुकरात, वन ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर्स इन द वर्ल्ड, सुकरात, उनसे सैक्रेटिस, उनसे किसी ने पूछा, बड़े दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, उनसे किसी ने एक बार पूछा बड़ी अच्छी बात, बोले आपको अगर मरने के बाद नरक मिल गया तो, अगर आप ये शरीर छोड़ोगे और आपको नरक में जाना पड़ा तो क्या आप दुखी होगे? क्या आपको दुख होगा? तो सुकरात ने क्या जबरदस्त बात कही, उसको पकड़ लीजिए। कहते हैं कि मरने के बाद अगर मुझे नरक भी मिले तो मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अपना स्वर्ग मैं अपने साथ लेके जाऊंगा और वहां भी नया स्वर्ग मेरा स्वर्ग खड़ा कर सकता हूँ। कितनी गजब की बात है, कितना ऊंचा चिंतन है। नरक मिले कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरा स्वर्ग मेरे पास है, दूसरे के पास थोड़ी ना है। कितने ऊंचे विचार है, इसको समझते हैं। तो ये है धर्म का प्रभाव। जो व्यक्ति उस वे ऑफ लाइफ में चलता है, जो व्यक्ति उस धर्म का पालन करता है, अपने जीवन को ही एक गंतव्य बना देता है, उसको कोई चिंता नहीं होती। तो धर्म का मतलब समझिएगा। कर्म भी यही है कि ऐसा कार्य जिसको करने के बाद आपको कोई चिंता ना हो, जिसको करने के बाद आपका मन शांत हो, वही अच्छा कर्म है। तो जब आप ये धर्म और कर्म को समझेंगे बड़े अच्छे तरीके से, तो जो कार्य होगा वो धर्म होगा। एक और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कोई सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहा है, तो वो आखिर कार्य क्या कर रहा है? अगर उसकी मातृभूमि पर कोई आंख उठा करके देखे और उसके उन विचारों को ही समूल नष्ट करने के लिए एक सैनिक अगर लड़ रहा है, तो कार्य क्या करेगा? उनको मारने का कार्य करेगा ना। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो आप कहोगे कि हत्या करना तो धर्म नहीं है, ये तो गलत कार्य है। पर एक सैनिक के लिए अपनी मातृभूमि, अपने देश के दुश्मनों को मारना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो कार्य तो ऐसा लगेगा कि किसी की हत्या की जा रही है, पर वो कार्य अधर्म की गिनती में कभी नहीं आएगा, वो धर्म ही कहलाएगा, क्योंकि उसने अपने उद्देश्य, अपने विजन और अपने पूरे जीवन को एक दर्शन के रूप में डाला है कि यही कार्य करने से सब लोगों को अच्छा परिणाम मिलेगा। तो लड़ना उसका धर्म है।
भगवान ने अर्जुन को यही बात तो बताया कि एक ऐसी षड्यंत्रकारी राज्य संस्था जो कि अपने ही भाई बंधुओं के खिलाफ जा रही है, जो कि अपने ही कुल परिवार की स्त्री का सम्मान नहीं कर सकती, उल्टे अपमान करती है, तो उन लोगों को ये मेरे भाई हैं, ये मेरे ये हैं, ये हैं, ये हैं, ऐसा सोच सोच करके और जीवन दान देना कहाँ का धर्म है, तो इनसे लड़ो। और अगर आज भगवान ये कहते हैं कि आज अगर दुर्योधन को नहीं मारा तो आज तो एक ही द्रौपदी का अपमान किया है, अगर मेरा भाई कहके इसको तुमने छोड़ दिया तो कल को ना जाने कितनी द्रौपदियों के लिए संकट बन के खड़ा होएगा, तब क्या करोगे? तो धर्म को समझिए, धर्म को समझना पड़ता है। धर्म किसी कार्य में बंधा हुआ कार्य नहीं है, धर्म आपका स्वभाव बन जाए, धर्म आपका नियम ना बने, धर्म आपको नियमों से ऊंचा उठा दे, वो धर्म कहलाता है। और वही धर्म सत्ता एक चक्रवर्ती सम्राट को भी वो उस प्रकार से दंड देने की, मार्गदर्शन देने की और उसको कंट्रोल करने की सामर्थ्य रखती है। और ये अगर धर्म का मतलब है, अब मैं टू द पॉइंट आ रही हूँ, अगर ऐसा इतनी बातें जो मैंने बताई, अगर धर्म का मतलब ये है जो मैंने आपको बताया और जो हमारे पुराण शास्त्र कह सकते हैं, तो अगर यही धर्म का मतलब है तो आप बताइए कि क्या भारत भूमि कभी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो सकती है? अगर इन्हीं क्वालिटीज को, इसी धर्म को निकाल दिया जाए, लोग कहें बार बार कि धर्म निरपेक्षता होनी चाहिए, धर्म निरपेक्षता होनी चाहिए, तो ये गुण निकाल दिए जाए ना केवल भारत, किसी भी देश से, तो उसका क्या अस्तित्व रह जाएगा? तो आप लोग अपने मन में विचार करिए कि क्या ऐसी धर्म निरपेक्षता का नाम लेकर के और अपने ही क्वालिटीज से दूर जाना, ये क्या सबसे बड़ा अधर्म नहीं होगा? विचार करिए, जस्ट थिंक अबाउट दैट। और कोई बात नहीं है, सब लोगों को उत्तर ईमानदारी से अपने मन में ही मिलेंगे। और हम, मैं एक बात और बड़े निवेदन से शांति पूर्वक कह रही हूँ कि हमारा जो संविधान है ना, उसमें पंथ निरपेक्ष है, हमारी भारत भूमि पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष नहीं है। आज जो लोग हल्ला करते हैं ना, उनको इस बात को समझना चाहिए, पंथ निरपेक्षता है, एंटी रिलीजन है, एंटी धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म की क्या अंग्रेजी है, धर्म धर्म है, तो एंटी रिलीजन है, पंथ निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता नहीं है। तो इस बारे में विचार करिएगा और इस दृष्टि से अगर आप सोचेंगे, धर्म को एज अ वे ऑफ लाइफ देखेंगे, तो कभी भी ना कोई व्यक्ति धर्म निरपेक्ष हो सकता है, ना कोई राष्ट्र, बल्कि राष्ट्र और व्यक्ति और समाज का हित इसमें है कि वो धर्म सापेक्ष हो, रिलेटिव हो, और धर्म सापेक्षता से चले, तो देखिए फिर कैसे यज्ञ मतलब आगे बढ़ना, प्रयास करना, तो उन्नति के मार्ग पर फिर कोई भी राष्ट्र आगे बढ़ता है। तो ये डेमोक्रेसी है हमारी कथाओं की। हमने कहा केवल मात्र पूजा पाठ करके और हमने केवल कथा सुन करके और उसके बाद ये साधन मान लिया कि पुण्य मिल जाएंगे दो चार, तो ऐसी बस बात नहीं है। कभी पढ़िए महाभारत में, तो इस गणतंत्र का इतना बड़ा वर्णन है। अब हम लोग जो महाभारत को ही घर से निकाले बैठे हैं, महाभारत को ही हमने अछूत बना दिया, तो हमारे आपको समझ कैसी आएगी बात? तो पढ़िए, लाइए, देखिए और उस दर्शन को, उस विचार को समझिए जो तब था जब भारत भूमि सोने की चिड़िया थी, और अब इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे ये ग्रंथ, हमारा धर्म, इससे हम एंटी रिलीजन होने की बजाय सेक्युलर होते चले जा रहे हैं, जो गड़बड़ी कर रहे हैं, तो उसको सुधारेंगे तो समझ में आएगा।
तो कथा तो सुननी होगी, कथा तो पढ़नी होगी और इसी से हित होगा। तो वास्तव में आज जो हमने सुना ये डेमोक्रेसी है, तो वही कार्य करने युधिष्ठिर जी जा रहे हैं, एक अथॉरिटी अपने ऊपर स्वीकार करने जा रहे हैं। तो कौन बनेगा उनकी अथॉरिटी? क्या धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य बड़े बड़े लोग थे, किसी को भी मांग सकते थे अपना मार्गदर्शक। पर वहां पर जब ये समस्या आई कि इनके कुल परिवार में इतने बड़े बड़े महान लोग हैं, युधिष्ठिर जी किसको अथॉरिटी मानेंगे, तब वहां पर कोई निर्णय नहीं कर पाया, क्योंकि सबके गुण विचार और जीवन बड़ा श्रेष्ठ था। तो वहां पर एक व्यक्ति समाधान देने के लिए खड़ा हुआ और वो था, बड़े ध्यान से सुनना आप, जरासंध का बेटा। इसका भी नाम सहदेव ही है। जब इसके पिता को भगवान ने अभी अभी भीमसेन के हाथों मरवाया, तब इसने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे और ये आया था इस यज्ञ में। और ये जरासंध का बेटा है, इसका नाम भी सहदेव है। तो जब कोई निर्णय नहीं दे पा रहा था, तो ये खड़ा हुआ और इसने युधिष्ठिर जी को कहा कि अगर आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और अगर आपको मेरे विचार सुनने हो, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा इन भरी हुई राजाओं की सभा में कि जहां पर कृष्ण है वहां पर कृष्ण से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर युधिष्ठिर जी को पूजा ही करनी है तो वो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की करें। और देखिए कितनी एक और बीच में बारीक बात को समझिएगा, द्वारिकाधीश प्रभु कहलाते जरूर हैं, पर द्वारिका का राज्य डायरेक्ट भगवान ने अपने हाथ में नहीं लिया है। द्वारिका के राज्य सिंहासन पर वसुदेव जी बैठते हैं, भगवान कहलाते हैं द्वारिकाधीश, पर वसुदेव जी वहां के राजा हैं, वो बैठते हैं। और आज कितनी बड़ी ऐतिहासिक घटना हो रही है भारतवर्ष की राजनीति में, उस पुराण के समय में देखिएगा कि जो भविष्य में मतलब तुरंत ही चक्रवर्ती सम्राट होने वाला है, वो एक ऐसे व्यक्ति को अथॉरिटी स्वीकार कर रहा है जो राजा भी नाम मात्र का है, राजा भी नहीं है, कोई सिंहासन पर बैठा ही नहीं है। तो जो सिंहासन पर बैठा ही नहीं है, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट उसको अपने ऊपर राजा मान रहे हैं। ऐसा केवल भारत में ही संभव है और दूसरी जगह नहीं। जो राज्य पर बैठा ही नहीं, जिसने सिंहासन स्वीकार ही नहीं किया, चक्रवर्तियों ने उसको अपना सम्राट स्वीकार किया है। बड़े बड़े राजा प्रभु से सलाह लेने आते थे, जबकि भगवान खुद ही सिंहासन पर नहीं बैठते थे। और सुझाव देने वाला कौन, एक और बारीकी समझिएगा, सुझाव देने वाला कौन, जिसके पिता को अभी अभी भगवान मरवा के आए हैं भीमसेन के हाथों। तो वो व्यक्ति समझता है कि कृष्ण क्या है। कृष्ण चरित्र में ना इतने गुण हैं कि वास्तव में वेद थक गए, थकना ही है, कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। आप सोचिए कि भगवान ने अभी अभी इस सहदेव के पिता मतलब जरासंध को मरवाया है, तो इसको तो भगवान से और खुन्नस होनी चाहिए और दुश्मनी होनी चाहिए। पर ये जानता है कि कृष्ण ने किया क्या है। वो भगवान के जीवन की सहजता से प्रभावित है, कृष्ण चरित्र की सरलता से प्रभावित है, और साथ ही साथ उनकी जो दूर दृष्टि है मतलब सजगता, उससे प्रभावित है। और इसलिए वो भगवान को कह रहा है कि युधिष्ठिर जी कृष्ण पूजन करें। और जीवन में ये तीन चीजें कृष्ण चरित्र से आप ले लेना, होनी ही चाहिए। सहज बनो, सरल बनो, आपका जीवन सरल होना चाहिए। डोंट बी लाइक ए कॉम्प्लिकेटेड पर्सन, सरल बनिए, बहुत सरल बनिए, सरल बनिए। सरलता आपकी बहुत अच्छी है, पर अगर सरलता केवल आप तक सीमित है
तो ये भी काम नहीं करेगी। इसलिए सहज बनिए, आपकी सरलता दूसरों को मिलनी चाहिए, आपकी सरलता से दूसरा कोई ना केवल प्रभावित हो बल्कि उस सरलता को, उस गुण को अपने जीवन में लाने की कोशिश भी करे। यही तो धर्म है कि जो है वो बांटो। फिर अगेन धर्म की परिभाषा यहाँ पर आ रही है कि सरल आप बहुत हैं, गुण आप में बहुत हैं, आपके वो गुण मिलने चाहिए सबको, तो बांटो, मुक्त हस्त से बांटो। लेकिन तीसरी चीज है सजगता, सावधानी, कि आपकी सरलता और आपकी सहजता को बुरे व्यक्ति आपकी कायरता, डरपोकपना ना मान ले। इसलिए जहां जरूरत है वहां पर एक स्टैंड लेने का सामर्थ्य रखिए, सजग बनिए, सावधान रहिए, तो ही जाके व्यक्तित्व पूर्ण होगा। और कृष्ण व्यक्तित्व में ये है, कृष्ण चरित्र में ये है। इसलिए किसने कहा प्रभु पूजन करने के लिए? जरासंध के बेटे ने। युधिष्ठिर जी तो मन में ये बात बैठा करके ही रखे थे कि कोई एक तो बोल दे, और कब से तैयार थे भगवान का पूजन करने के लिए। लेकिन बेचारे बस उठ नहीं पा रहे थे क्योंकि कोई बोल ही नहीं रहा था। तुरंत उन्होंने सब सामग्री तैयार करी, तुरंत युधिष्ठिर जी तैयार हुए और बड़े प्रसन्न चित्त से द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का पूजन करने के लिए चले। और जैसे ही चले तो और लोगों के साथ साथ शिशुपाल महाराज भी तो पधारे हैं, और उनको सहन नहीं हुआ। वैसे भी कृष्ण द्वेषी है और इस यज्ञ में आया है तो और द्वेष बढ़ रहा है उसको, क्योंकि इसने इस यज्ञ में रुक्मिणी जी के साथ भगवान को देखा है। तो बेचारा और खुन्नस निकाल रहा है कि दुल्हा बना तो मैं बैठा था पर शादी तो इसकी हो गई, कोई मेरे को पूछता ही नहीं है। इन पांडवों को देखो, कोई सलाह लेनी होती है, कोई जरूरी काम होता है, तुरंत कृष्ण के पास भागते हैं। मेरे से सिर्फ इतना पूछते हैं कि ठीक से भोजन हुआ कि नहीं, उससे ज्यादा मेरी कोई वैल्यू ही नहीं करता, कोई जरूरी बात मेरे से पूछता ही नहीं है। तो आज तो बड़ा द्वेष बढ़ा, और इतना द्वेष बढ़ा कि आज वो जो हिसाब रखता था, कैलकुलेट करता रहता था कि 100 से अधिक गालियां ना हो पाए, आज वो भूल गया और लगा भगवान का अपमान करने। तो यदुवंशी खड़े हो गए शिशुपाल से लड़ने। प्रभु कहने लगे कि भाई इसको जो करना है करने दो, 100 गालियों तक तो हमने इसको वचन ही दिया है कि क्षमा करेंगे। तो जब उसको ध्यान नहीं रहा और 100 गालियों से अधिक हुआ, तो भगवान ने सुदर्शन जी का आवाहन किया और उसके बाद इस शिशुपाल का शिरच्छेद करके इसका उद्धार किया। इसके शरीर का तेज सब राजाओं ने देखा कि श्री कृष्ण में जाके समा गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।